हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पोटैटो वेजीज। बहुत ही इजी स्नैक रेसिपी है, झटपट आप इसे बना करके रेडी कर सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटैटो वेजीज बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटैटो को कट कर लेंगे। यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके ले लिया है। इसे हमें इस तरह से कट करना है, बीच से कट करेंगे, फिर हमें इस तरह से कट कर लेना है लंबे शेप में, और स्किन के साथ ही हम कट करेंगे। स्किन के साथ ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो सेम प्रोसेस से हम सारे पोटैटो को कट करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे पोटैटो को कट करके रेडी कर लिया है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे पानी को गर्म होने के लिए मैंने रखा था, कटे हुए पोटैटो को इसमें डाल देते हैं। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे पार बॉईल करेंगे, यानी कि इसे 50-60% ही कुक करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है हमें। तो ये देखिए, ये बॉईल हो गया है, इससे ज़्यादा अब इसे हम बॉईल नहीं करेंगे। इसे हम छान लेते हैं पानी से, छान के इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। आलू हल्का सा ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो पहले मैंने डाल दिया है हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून गार्लिक क्रश किया हुआ, आप चाहे तो गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, नमक एज पर टेस्ट, बटर डाल देंगे, एक बड़ा सा क्यूब मैंने बटर का डाला है, आप चाहे तो बटर को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, अप्रॉक्स 2 टेबल स्पून बटर मैंने डाला है, मैदा 2.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है, कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आलू में भी मॉइस्चर है, तो पहले हम इसे इस तरह से सूखा ही मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 2-3 टेबल स्पून जितना पानी ऐड कर देंगे, और पानी डाल करके इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, आलू के ऊपर सारी चीज़ों का कोटिंग अच्छे से आ गया है। तो अब इसे हम बेक करेंगे। तो यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे मैंने ले लिया है, इसमें हम सारे पोटैटो के पीसेस को इस तरह से अरेंज कर देंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई करने के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब इसे 180 डिग्री पे अपर लोअर रॉड ऑन करके 20-25 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत अच्छे से बेक हुआ है, एकदम क्रिस्पी बना है। आप अपने मनपसंद डिप के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।